सुबह अयोध्या में भाजपा के मेयर प्रत्याशी महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने मताधिकार का प्रयोग किया। वोट के बाद उन्होंने कहा कि अयोध्या में बहुत सुंदर माहौल दिखाई पड़ रहा है, भाजपा के पक्ष में कमल खिलाने के लिए जनता प्यार और उत्साह के साथ मतदान कर रही है। सपा द्वारा व्यापारियों के मुद्दे को उठाने के मामले पर बोले भाजपा प्रत्याशी, कहा समाजवादियों को भगवान सद्बुद्धि दे, अपने आसन हार को देखते हुए इस तरह का प्रलाप कर रहे, हार रहे हैं तो कुछ न कुछ तो कहने का बहाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह चौड़ीकरण किसके लिए हो रहा है, अयोध्या के लोगों के लिए ही हो रहा है। कुछ ही महीनों की बात है, अयोध्या में शानदार चमचमाती सड़क होगी, सबसे ज्यादा फायदा अयोध्या वालों का ही होगा। अयोध्या के लोग समझदार हैं, ये जान रहे हैं कि लोग उनको बरगला रहे हैं। अयोध्या अपनी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका के लिए आगे बढ़ चुकी है। अयोध्या विश्व की आध्यात्मिक राजधानी एवं सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर विकसित हो, उसमें आपका वोट पहला कदम सीधा होगा। जनता बढ़ चढ़कर मतदान करें, अयोध्या की जो सांस्कृतिक गरिमा है उसको विकसित होने दें और पूरे विश्व में अयोध्या एक बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बनने जा रहा है। आपने रामलला का दर्शन किया, रामलला के चरण में गए, फिर इस चरण का मतदान शुरू किया, क्या कहेंगे, दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। अयोध्या से पूरी दुनिया में संदेश जाता है, इस बार भी जाएगा। क्या मुद्दा है? मुद्दा अयोध्या का, अयोध्या के लिए जो इस तरह से समर्पित लोग हैं, जो अयोध्या को विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बनाना चाहते हैं, उसके लोग, उसको लेकर लोग यहाँ पर खुद ही उत्साह में हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अपार पर अपार प्यार और जनसमर्थन और विश्वास मिल रहा है। जनता से क्या कहेंगे आज? एक बार हमें अवसर दें और मुझे लगता है कि पूरी कार्य संस्कृति बदलने का और अयोध्या को कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको एक विश्व का सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर विकसित करने का, टैक्सेशन से और जो स्थानीय समस्याएं हैं इनसे मुक्ति दिलाने का भी मुझे अवसर दें।